अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथी। यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर कुवैत से आ रही है, बिलो द एज ऑफ 66 आर अटेम्प्ट फॉर PCR टेस्ट। दोस्तों आपको बता दूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये अनाउंस किया है कि बच्चे चाहे 6 साल की उम्र के हो या 6 साल से ज़्यादा हो, अब उनको भी PCR टेस्ट, मतलब जो PCR जो टेस्ट होता है उनको करवाना पड़ेगा। बिना PCR टेस्ट के उनको भी एंट्री अब नहीं मिलेगी। तो साथियों, यदि आपके साथ कोई बच्चा है, यदि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो यदि आप 6 साल या 6 साल से कम है तो उनका भी आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। बिना PCR टेस्ट कराए आपको एंट्री या फिर एग्जिट या आपको नहीं मिलने वाला है। अगली खबर साथियों जो आ रही, बीवेयर हिच हैकिंग। दोस्तों एक मिस्री जो आइडेंटिफाई है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में, सलवा पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवाया है कि उसके साथ बीच रोड में, मतलब उसे रोक कर वहाँ पे उसे रॉबरी हुआ, उसके उसको चाकू दिखा के, उसको बंदूक दिखा के उसे लूटा गया। उसके पास 20 दिनार कुवैती दिनार था, प्लस उसके पास मोबाइल सेलफोन था, तो वो सारा कुछ लूट लिया गया है। तो दोस्तों ऐसा उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाया है, पर उस पर और उस पर दोस्तों छानबीन चल रही कि आखिर वो कौन था नहीं था। तो साथियों आप भी दोस्तों बच के रहें, ऐसा वहाँ पर दुर्घटना हो रही है। अगली खबर साथियों, दोस्तों अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, मिनिस्ट्री डेनिस र्यूमर कोरोना वायरस टेस्ट रिजल्ट। साथियों एक वहाँ पे अफवाह बहुत ही ज़्यादा फैला जा रही है, ऐसा कहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ये कहा है कि जिसकी भी वहाँ पे जांच हो रही है COVID-19 की, तो सारा डिटेल उसका क्या कर दिया जा रहा, शेयर किया जा रहा है फेसबुक में, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब कहीं पे भी शेयर कर दिया जा रहा है। ऐसा दोस्तों ऐसा अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये बिल्कुल की बिल्कुल अफवाह है, ऐसे कोई बात नहीं। वहाँ पे किसी का COVID-19 का जो टेस्ट होता है उसकी जानकारी किसी को अगले को नहीं दी जाती है, ये बिल्कुल प्राइवेट रखा जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसी अफवाह में आप भी ना पढ़ें। अगली खबर साथियों जो आ रही, न्यू क्वारंटाइन प्लान फॉर डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा दोस्तों एक नया प्लान जारी किया गया कि यदि कोई डॉक्टर या नर्स या कोई टेक्नीशियन, यदि वो COVID-19 का यदि केस नेगेटिव पाया जाता है, यदि वो जांच करवाता है, यदि नेगेटिव पाया जाता है, तो उनको 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यदि वो पॉजिटिव पाया जाता है, कोई भी डॉक्टर, नर्स या इंस्पेक्टर, तो उनको 10 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और स्वैब टेस्ट उनको करवाना पड़ेगा। तो साथियों ये नया जो नियम लागू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं, न्यू क्वारंटाइन प्लान फॉर डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन एंड हेल्थ इंस्पेक्टर। अगली खबर साथियों आ रही, प्ली टू फेशियल एंट्री फॉर कुवैत यूनिवर्सिटी स्टाफ स्टैंडर्ड ऑफिस। दोस्तों वहाँ पे जो कुवैत यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते थे, जो लोग बाहरी थे, उन्होंने दोस्तों याचिका दायर की है कि हम कुवैत आना चाहते हैं पर हमें कुवैत नहीं आने दिया जा रहा है। पर साथियों ना इसमें कुवैत की गवर्नमेंट की गलती है, ना कुवैत में बाहर लोग रहने वाले लोग की गलती, क्योंकि कुवैत में फिलहाल अभी एंट्री बंद है और लोग आना भी चाह रहे पर उस आ नहीं सक रहे, क्योंकि उसका रीज़न है COVID-19। क्योंकि अभी कुवैत जो अभी 32 देशों पर बैन लगा के रखा है दोस्तों, वही अधिकतर देशों में लोग वहाँ पे पढ़ाने आते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला, कोर्ट ने ये बोला है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। तो ये कुछ खबर थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।